हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैल्यू नॉलेज, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एकदम लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे हम आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और अगर दोस्तों, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे UPSC, IAS, बैंकिंग के एग्जाम्स या फिर कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स, तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको कि असली और नकली सोने की पहचान कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ हम आपको एकदम कुछ आसान तरीके बताएंगे दोस्तों, जिससे आप घर बैठे असली और नकली सोने की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले ये तो आपको जानना होगा दोस्तों कि गवर्नमेंट ने यानी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स करके एक हॉलमार्क बनाया दोस्तों, जिसे BIS हॉलमार्क बोलते हैं दोस्तों, जो कि इस तरह से दिखता है, वो हर गोल्ड पे होता है दोस्तों। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इस तरीके से पूरा कोड, जो हर आप कोई भी गोल्ड अगर खरीदते हो तो उस पे ये जो गोल्ड है ये मार्क किया रहता है दोस्तों, ये जो हॉलमार्क है ये मार्क किया रहता है दोस्तों। तभी हम आपको समझा देते हैं एकदम सरल भाषा में कि इसका क्या मीनिंग है। तो ये जो देख रहे हो, ये तो BIS का लोगो है दोस्तों। इसके अलावा ये जो 916 है, यानी ये प्यूरिटी गोल्ड कितने प्यूरिटी यानी कितने कैरेट का है, वो सिग्निफाई करता है दोस्तों। तो अगर हम सरल भाषा में बात करें तो 22 कैरेट रहेगा तो 916 बताता है, 18 कैरेट रहेगा तो 750 बताता है, और 14 कैरेट रहेगा तो 585 नंबर रहता है। यानी जितना ये नंबर ज़्यादा है दोस्तों, उतना उसका गोल्ड का प्यूरिटी ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों, इसका असेसमेंट कहाँ पर हुआ है, उस सेंटर का यहाँ पर लोगो रहता है। इसके अलावा ज्वेलर का जो है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे रहता है, और ईयर ऑफ हॉलमार्किंग, जिस साल में ये हॉलमार्क किया गया था वो ईयर यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह से आपको पूरा ये हॉलमार्क जो है वो हर जो भी आप गोल्ड परचेस करते हो दोस्तों, उस पर लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों, आप कभी भी याद रखो, गोल्ड जब परचेस करोगे तो आप ये हॉलमार्क वगैरह वहाँ पर है या नहीं ये कन्फर्म कर लो, और आप रिसिट भी उसकी ले लो, आपकी इसकी रिसिट भी मिलती है। लेकिन दोस्तों, अभी अगर हम बात करें कि इसमें कितना लोग आगे चले गए हैं, तो हम आपको ये बताते हैं दोस्तों कि ये हॉलमार्क में भी अभी बहुत झोल होता है दोस्तों। ये यानी डुप्लीकेट भी आते हैं दोस्तों, तो आपको यानी आप एकदम ब्लाइंडली इस पे भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों, आपकी तरफ से भी आपको एक जांच करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अभी हम आपको कुछ दो तीन ऐसे नुस्खे बता रहे हैं जिससे आप गोल्ड को जो है घर बैठे आप टेस्ट कर सकते हो वेदर वो ओरिजिनल है या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जो भी कोई गोल्ड आप घर पे लेते या लेके आते हो कोई ज्वेलरी, तो आपको उसको हल्का सा पिन से आपको ऐसा उसको जो है रब करना है दोस्तों। आप रब करने के बाद दोस्तों, उस पर आपको नाइट्रिक एसिड की बूंदे डालनी है, और अगर वो हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, तो समझ लो दोस्तों वो डुप्लीकेट है। तो दोस्तों, ये तो अभी अगर प्रैक्टिकली आपको पॉसिबल नहीं होगा अगर आप नाइट्रिक एसिड अभी कहाँ पर लेने को जाएंगे, तो दोस्तों दूसरी ट्रिक अभी हम आपको बता रहे हैं वो है ये है कि दोस्तों, आप कोई भी गोल्ड अगर लेते हो दोस्तों, एकदम वो हल्का आइटम भी रहेगा, अंगूठी भी रहेगा या फिर कान के झुमके रहेगा, कोई भी एकदम छोटा सा आइटम उसका वेट कम है वो भी रहेगा दोस्तों, बस उसको पानी में डालो दोस्तों, पानी में छोड़ दो एक बकेट में या फिर एक छोटे से बर्तन में, और अगर वो ऊपर रह जाता है दोस्तों थोड़े टाइम के लिए भी, तो समझ लो वो उसमें थोड़ी सी मिलावट है, क्योंकि गोल्ड कितना भी हल्का रहने दो दोस्तों, वो पानी में डूब ही जाता है दोस्तों, वो नीचे जाना ही चाहिए दोस्तों। तो इससे आप आराम से आप जो है वो पता लगा सकते हो कि इसमें मिलावट हुई या नहीं। और तीसरा तरीका यह है दोस्तों कि आपको क्या करना है, जो भी आपने ज्वेलरी वगैरह ली थी, जो भी आपने गोल्ड का ये लिया है दोस्तों बिस्किट वगैरह, उसको आपको क्या करना है, मैग्नेट के पास लेके जाना है। अगर वो मैग्नेट के पास लेके जाने के बाद थोड़ा भी हिलता है यानी थोड़ा भी अगर उसके तरफ अट्रैक्ट होता है, तो आप समझ लो दोस्तों कि इसमें थोड़ा सा मिलावट हुई है, इसमें मेटल डाला गया है, जिसकी वजह से ये जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। क्योंकि ओरिजिनल गोल्ड दोस्तों मैग्नेट की तरफ कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा, कभी भी उससे उस पर मैग्नेट का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये दो तीन छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, इसे याद रखो दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई करके देखो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड जो यानी सोना जो होता है वो ओरिजिनल है यानी नकली है या असली है। तो दोस्तों, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो इसे आप अच्छे से जानकारी लेके रखो। और दोस्तों, इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर किया है। हमारे चैनल पे आपको टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और जनरल नॉलेज से लेके करंट अफेयर्स तक बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, हमने वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, जिसपे हमने आपको बताया है कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसपे आप काम करके घर बैठे भी अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो जरूर देखो, हमारे वीडियोज़ को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी और आप अपने लाइफ में तरक्की कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्दी मिलते हैं कुछ
और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।